मैंने मना कर दिया। आइए 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 आइए, इसको अपना ही घर समझिए। बाबा बाबा जी, ओ बाबा उठे जा, ओए बाबा उठे जा, उठ जा उठ जा उठ जा। क्या कर रही हो ये, कौन है ये? अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, मुझे मार्केट के पास मिल गई तो मैं स्कूटी पे बिठा के घर ले आया। कभी भी सो जाते हैं तो गा के उठाना पड़ता है, ओ बाबा उठे जा। बाबा जी घर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी का भविष्य देखना है, ये मेरा लड़का है। ओ चाइल्ड लेबर। लड़का मतलब काम करने वाला लड़का नहीं, मेरा अंश है। अंश बेटा? इसका नाम अंश नहीं है, ये मेरा खून है। खून ही बेटा? नहीं नहीं, खून मतलब मेरा नंदन है। अरे क्या पर्यायवाची शब्द बोले जा रहे हो आप, लड़का खून नंदन अंश, सीधा सीधा बोलो ना बेटा है। बेटा है। ओ ओ, छुट्टे नहीं है? छुट्टे नहीं मांग रहा, मूर्ख हाथ मांग रहा हूँ। गुस्सा मत होइए बाबा, अभी नादान है। बेटा हाथ दो। बचपना नादानी अभी तक है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। पहले सब्जी वाले से मीठे आलू ले आता था, अब आलू भी सही लाता है और एक्स्ट्रा धनिया भी रख लेता है, और समझदार भी हो गया है। बाकी बच्चों की तरह वो म्यूजिकली ऐप पे आड़ी टेढ़ी शक्लें नहीं बनाता। किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द से लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो बस कमरे में बंद होके पढ़ाई करता रहता है। पापा मेरी बात छोड़ो ना, आप ये बताओ ये कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी हैं बेटा, इनकी बातें दूर दूर तक जाती हैं। क्यों माइक पे बोलते हैं? और बेटा ये लेखक भी है, इनकी किताब GST UK की बेस्ट सेलर है। इसने GST में किताब लिखी है? इसने क्या होता है, मैं तेरे साथ बचपन में कंचे खेलता था क्या? आपने GST पे किताब लिखी है? GST गलती से टटियां, हक बाय चांस, मेरी UK की दूसरी बेस्ट सेलर। मुकेश के दिन कट गए जुलाब में, चिरक देता था अपने ख्वाब में। पहली किताब कौन सी थी? मुकेश का निप्पल। मुकेश का लेफ्ट वाला निप्पल थोड़ा छोटा था, राइट वाला थोड़ा बड़ा। ठंड लगती थी तो दोनों निप्पल इतने बाहर आ जाते थे, जब कमरे में घुसता था तो पहले निप्पल पहुंचे फिर मुकेश। और ये किताबें UK की बेस्ट सेलर है? उत्तराखंड की बात ही कुछ और है। ओह नो, वहां मुझे इतना मानते हैं। ओहो फिर सो गए, ओ बाबा उठे जा। होए बाबा कौन है ये? बेटा बहुत बड़े बाबा हैं, इनका नाम अदरक। अदरक बाबा, ये कैसा नाम है? मेरे बाप अजवाइन और मेरी माँ हल्दी ने मेरा नाम रखा अदरक। बड़े भाई इलायची ने तो अपनी कंपनी भी खोल ली। बाबा इलायची मैन। बेटा ये हाथ और चेहरा पढ़ के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। मेरा हाथ देख के बताओ ना, मैं अमीर बनूंगा। मैं तेरे हाथों की लकीरें मिट रही हैं, लग रहा है लंड देख के भविष्य बताना पड़ेगा। धन की लकीर तो सुनहरी है। कितने कमाऊंगा? 40-50 हजार महीने का। और कमाने हैं? बोनस मिला के 60-70 हजार महीने का बस। और कमाने मैन? तो अपने पिछवाड़े की लकीर से कमा ले। बाबा जी मेरे बेटे का भी भविष्य बता दो। पापा मैं नहीं मानता इन सब बेकार चीजों में। इस साल तेरे एग्जाम में 90 आएंगे। सारे सब्जेक्ट मिला के। What? पापा इसको बाहर भेजो, ये सारे जाहिल लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। ए, मैं जाहिल नहीं हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की डिग्री है मेरे पास। ओ बाबा उठे जा। ओए दिन रात मेहनत करके ये दाढ़ी और बाल उगाए हैं ताकि तेरे जैसा बदतमीज लड़का मुझे जाहिल बोले। तो तुम लोग क्लीन शेव करके क्यों नहीं घूमते? क्योंकि मैंने सब त्याग दिया है, सारे ऐप सब कुछ। 15 साल से किसी औरत की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। तो अपनी तीसरी टांग पे क्या कैलेंडर टांगता है मैं? एक बार ऐसे ही किसी लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसके साथ पता है क्या किया? क्या? उसको अपने वश में करके अपना नौकर बना दिया। इसकी माँ ने तो बिना वश में करे ही ऐसा गजब कर दिया है मेरे साथ। पापा क्या फालतू लोगों को घर में ले आते हो आप? फालतू हूँ मैं? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बाबा जी? ना बबलू बेटा ना। कौन बेटा? दोनों एक ही उम्र के हो, दाढ़ी बढ़ा के खुद को 200 साल का समझ रहा है। पापा इस लहसुन को बाहर निकालो। अदरक। तो क्या तेरी चाय बनाऊं? बहुत हो गया, बहुत सहली अपनी बेइज्जती, तुझे देखना है अदरक क्या कर सकता है। पेट साफ कर सकता है बड़ा बबलू। अब तेरे लड़के की गलतियों की सजा तू भुगतेगा, मेरी आंखों में तो देख। छोड़ दे अपना शरीर, अब तू मेरा बबलू है, वी के बाद आता W है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब बोल बेटा क्या बनाऊं तेरे बाप को? मेरे नाना बना दो, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, सुना बहुत गुस्से वाले थे। दुनिया में जो आया है एक दिन है उसको जाना, बकचोदी ना फेल, तू बबलू बन के दिखा दे नाना।
मेरे नाना इतना हंसते थे क्या? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पापा? पापा होगा तेरा बाप, मेरा नाम है नाना। इतना मारूंगा, जुबान ऐसी भर आएगी, आंखें भर आएगी। अबे ये क्या हो गया? ओ बाबा क्या कर दिया ये? वो साली रिहाना मुझसे पूछती है, ओ नाना व्हाट्स माय नेम। अरे उसको बोल अपना आधार कार्ड चेक कर, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर, किसके साथ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कुछ समझ ले। कंट्रोल। अरे कूट जा, गांड फटी तो बोला हाज मोला। इसको उठाने का मंत्र क्या था बेंचो? मी पहला तुझा डोड्यांचा थू, कधी शंबर वन कधी शंबर टू। जा बाबा, ओए जा बाबा, ओए ओए बाबा। ये हैग्रिड जैसा दिखने वाला जानवर मेरा क्या उखड़ेगा? कोई कुछ नहीं उखड़ सकता, सबके चिट्टे किट्टे खोल दूंगा। कोई नहीं बचेगा, मेरा नसीब ही खराब है। नसीब लंड की तरह होता है, सब अपना अपना लेके चलते हैं। पूरी दुनिया को बताऊंगा तेरी करतूत, सुबह सब्जी कटहल वाली, शाम को हरकत मुठल वाली, कोड़ी घर देता का। ये क्या शोर हो रहा है? आ गई बुढ़िया, देखो साहब सेठानी जी पधारी हैं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ए चुप कर पागल औरत, इसको बता दू तेरा बाप अपना दिल किसको दे बैठा है। दो मिनट सब नाचो, जिंदगी कांच है और हम सब हेवा वाले ने ये नाच पसंद थे, नाच बुढ़िया। पापा प्लीज होश में आ जाओ, भूल जा अपने बाप को, नहीं आएगा वो। क्या वजूद है तेरा, क्या कमी है मुझ में? भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए। अपने दोस्तों को बोल दो तेरा नया बाप आ गया है, चल मैं अपने धंधे पर लगता हूँ। आलू ले लो, कांदा ले लो।